बनाए रखना, अपार खुशियाँ प्राप्त हो, मनोकामना पूर्ण हो, घर परिवार में सुख शांति रहे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज एक नई वीडियो में। अब आज की जो नई लोकेशन है वो भी गाजियाबाद की है। इससे पहले मैंने आपको महादेव जी के दर्शन कराए थे और एक और यहाँ पर फेमस मंदिर है जिसको हम गुफा वाला मंदिर कहते हैं। और इसका अगर मैं एड्रेस बताऊँ आपको तो यह घंटाघर गोल मार्केट गुफा वाला मंदिर, और ये मार्केट में ही अंदर ही आपको मिल जाएगा, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप किसी भी ई रिक्शा से यहाँ आ सकते हैं बड़े इजीली। और मंदिर बहुत देख सकते हैं आप, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है, गुफा बनी हुई है। आप यहाँ पर आके माता के दर्शन कर सकते हैं और माता के जो अलग अलग रूप हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा मंदिर घुमाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। दोस्तों ये है गाजियाबाद की घंटाघर गोल मार्केट, ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर है गुफा वाला मंदिर। मार्केट के बीचों बीच है ये मंदिर और इसका रास्ता भी मार्केट के बीच में से होकर निकलता है, तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और मंदिर में आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये है इसका एंट्री गेट और यहाँ से देखिए बहुत ही पतला सा गेट है, एक ही बंदा एक बार में निकल सकता है। दोस्तों जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर एक शेर का जो मुंह है वो बना हुआ है। ये जो रास्ता है यहाँ से जाएगा गुफा के अंदर और ये मंदिर का एक सेंटर पॉइंट है जहाँ माता की एक मूर्ति लगी हुई है और ये एक हाथी का मुंह यहाँ पर बना हुआ है। ये गुफा का कुछ पार्ट यहाँ से निकल के आता है, शायद यहाँ से एग्जिट होगा और ये महादेव जी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गुफा के अंदर और यहाँ से चलते हैं अंदर। ये आ गए हम गुफा, यहाँ से कुछ ओपन है और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भगवान की रखी हुई हैं और ये कुछ पूरी रेड कलर की गुफा अंदर से बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ से हम करेंगे नीचे। ये गुफा यहाँ पर छोटी सी है, खत्म हो गई। और ये देखिए एक गुफा वहाँ से भी है पतली सी, तो अभी वहाँ भी चलेंगे हम। और यहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग है, यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं आप। ये बहुत ही छोटी सी गुफा है पतली सी। ये देखिए बहुत ही पतली सी गुफा है, बैठ बैठ के आपको इसमें से जाना पड़ेगा। और अब मैं कैसे जा रहा हूँ आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही पतली सी गुफा है। और ये आ गए वहां से बाहर सबको बचाते हुए। और ये माता के दर्शन कर सकते हैं आप, माँ शिरोवाणी के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए पिंडी रूप में भी है यहाँ पर। और यहाँ से दर्शन करने के बाद आप ये यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है और यहाँ पर देखिए आरती लिखी हुई है हनुमान जी की, शिव जी की, रामचंद्र जी की और शनिदेव जी की, और ये काली मैया की भी आरती वहाँ पर है, तो सभी की आरती आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और घूम के हम आते हैं यहाँ पर क्योंकि चाहो तो गुफा है तो गुफा वाले मंदिर के नाम से हम इसको जानते हैं और ये माता के अलग अलग रूप के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये माता के सारे रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये हनुमान जी के दर्शन और लड्डू गोपाल के भी दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के, और ये श्याम बाबा के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर माँ श्री भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर में कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है।
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शुभदात्री स्वाहा नमोस्तुते। जय हो मेरी माँ कृपा मई करुणा मई आशक्त माँ जगदम्बे कृपा की दृष्टि बनाए रखना। अपार खुशियां प्राप्त हो, मनोकामना पूर्ण हो, घर परिवार में सुख शांति रहे, घर परिवार में सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं आपसे। श्री माता लक्ष्मी सह श्री गणेश जी भगवान हमारे घर में हमेशा ही विराजमान रहे। श्री गणेश जी भगवान सभी बाधाओं को, सभी विघ्नों को, सभी क्लेशों को घर से दूर करते रहे। श्री माता लक्ष्मी धन संपत्ति से अचल बनाए रखे। सब खाली झोली भरने वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय। जय हो मेरी माँ पूरे परिवार को सद्बुद्धि देना, पूरे परिवार को सही रास्ते पर चलाते रहना। दोस्तों माता रानी की मूर्ति के बिल्कुल सामने ही एक छोटी सी यहाँ पर गुफा है, महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर। और ये देखिए हाथी का ये जो फेस आप यहाँ देख सकते हैं, और सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और करते हैं महादेव जी के दर्शन। ये देखिए छोटी सी गुफा और उसमें महादेव जी बैठे हुए, और सामने इनके ये देखिए शिवलिंग भी है यहाँ पर, और ये महादेव जी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से साइड से एक छोटी सी ये विंडो की तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ से, और माता रानी के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन यहाँ से होते हैं। अगर इस मंदिर के ऊपर से मैं दिखाऊं आपको तो व्यू कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर एक लंगूर ये बनाया गया है। नवरात्रि में मैंने दर्शन किए माता रानी के, और आप भी जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, बहुत सारे मंदिर माता के आपको मिल जाएंगे। तो आशीर्वाद लेना नवरात्रि में और प्रसाद लेना ना भूलें, आप भी और आपकी फैमिली को भी नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मैंने दिखाया आपको ये गुफा वाला मंदिर जो गाजियाबाद के अंदर है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये वीडियो और ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।